Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to paint on glass. दो टाइप के ग्लास पेंटिंग करने वाली हूँ, बट दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फॉर द फर्स्ट ग्लास पेंटिंग, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओल्ड क्लॉक. मैं इसमें से मशीन को ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली द अपर पार्ट. ये जो बेस है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्लास फ्रेम के साथ अटैच्ड है. देन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं फाइनल पेंटिंग बनाने से पहले मैं एक रफ स्केच बनाऊंगी. मैं एक बहुत रैंडम फ्लोरल पैटर्न बना रही हूँ, जो भी मन में आ रहा है वो बनाती जा रही हूँ. कोई भी फाइनल आर्ट बनाने से पहले मैं हमेशा एक रफ स्केच बनाती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि रफ स्केच के साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग, या आपसे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो सकती. सो आई सजेस्ट कि आप ये स्टेप कभी भी स्किप ना करें. देन रफ स्केच बनाने के बाद मैं इस ग्लास फ्रेम के बैक साइड पे पेपर को स्टिक कर लूँगी, ताकि ग्लास में आउटलाइन बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक ना हो. Anyways, coming back, मैं यहाँ फेविक्रिल ग्लास कलर्स यूज़ करूँगी. एंड गेस वॉट, मैं आउटलाइन टेस्ट करने के लिए निकाली तो ये बहुत बुरी तरह से सूख चुका था. बट लकीली मुझे ये ग्लिटर का आउटलाइन सॉर्ट ऑफ मिला मेरे चीज़ों के बीच में, जो किसी के साथ फ्री में मिला था बहुत पहले, एंड अब तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है. ये डॉम्स का है तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो जो नॉर्मल ग्लास पेंटिंग होता है उसको जनरली ब्लैक आउटलाइन से करते हैं, एंड देन जब फ्रेमिंग करते हैं तब बैक साइड पे फॉयल का यूज़ करते हैं. बट मैं इसे वैसे नहीं करने वाली हूँ. ये कॉमन का ग्लास पेंटिंग नहीं होने वाला है, ये उससे भी ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग, कुछ अलग होने वाला है. To know that, watch it till the end. आउटलाइन के बाद मैं इसमें रंग भरना शुरू कर दूंगी. इसके कलर्स कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है एंड लकीली ये कलर्स नहीं सूखे हैं. बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है इसका एंड रिजल्ट. मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ. मैं एक एक करके सारे सेगमेंट्स में पैटर्न वाइज कलर भर दूंगी, एंड बीच बीच में बहुत ज़्यादा एयर बबल्स आ रहे थे देन, तो उसको हटाने के लिए मैं अपने फिंगर्स या फिर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रही थी. आई थिंक ये जो आर्ट पीस है ये ब्लैक आउटलाइन से ज़्यादा ये ग्लिटर आउटलाइन के साथ बेटर लग रहा है. कॉमेंट डाउन योर व्यूज़ अबाउट दिस. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जिसके बारे में मैं बोल रही थी वो ये है कि मैं इसके पीछे कोई भी तरह का बैकग्राउंड यूज़ नहीं करने वाली हूँ. जैसे एक नॉर्मल ग्लास पेंटिंग में होता है, मैं इसको एज इट इज़ ही रखने वाली हूँ, ताकि हम इसको जब सनलाइट पे रखेंगे तो ये एक सन कैचर हो सके. Isn't it cool? जिसको नहीं पता सन कैचर क्या होता है, गो एंड गूगल इट नाउ. ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वॉचिंग. इट लुक्स सो ब्यूटिफुल इन दी सनलाइट. आई जेन्युइनली लव्ड दीज. आप लोग भी बताना जरूर आपको ऐसी चीजें कैसी लगती है. एंड विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट ग्लास पेंटिंग. Moving on to the
द नेक्स्ट ग्लास पेंटिंग उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक शीट इंस्टेड ऑफ ग्लास, ताकि गलती से भी आगे जाके ये मेरे से कभी टूटे ना। हमेशा की तरह फाइनल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक रफ स्केच ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड अब मैं इसे एक्रेलिक शीट के पीछे टेप के हेल्प से स्टिक कर लूँगी, ताकि मैं आउटलाइन विदाउट कोई मिस्टेक के कर सकूँ। तो मैं यहाँ एक बीच सीन ड्रॉ की हूँ जो कि लास्ट ग्लास पेंटिंग से बहुत अलग है। इसका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है और जो प्रोसेस होने वाला है या जो सप्लाइज़ भी यूज़ होने वाले हैं वो लास्ट ग्लास पेंटिंग से बहुत अलग होने वाला है। तो जो हमारा नॉर्मल पेंटिंग होता है जिसमें हम पहले बेस पे पेंट करते हैं, देन हाइलाइट्स शेडोज़ और डिटेल्स ऐड करते हैं एंड लास्ट में आउटलाइन बनाते हैं, ये उससे ऑपोजिट प्रोसेस है। तो इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आउटलाइन के साथ, बहुत पतला आउटलाइन बना रही हूँ ताकि क्लीन लुक आए। हाथ और मेरे पेंट ब्रश बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है इस एक्रेलिक शीट के ऊपर, बट ये प्रोसेस बहुत एंजॉयबल है एंड नया कॉन्सेप्ट है तो ट्राई करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आउटलाइन बनाने के बाद आई विल स्टार्ट विद दी हाइलाइट्स एंड शेडोज टू गिव डेप्थ एंड डिटेल्स। मैं सारे एलिमेंट्स में डार्कर शेड का यूज़ कर रही हूँ टू ऐड शेडोज एंड मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स में डिटेल्स भी ऐड करूँगी। मैं सेम कलर्स का अलग अलग शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि ये एकदम प्लेन ना लगे एंड थोड़ा डिटेल्ड दिखे। ये प्रोसेस बहुत इजी है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा पहले करना है, बट बनाते बनाते ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। मुझे बार बार मन कर रहा है इसको पलट के देखने का कि कैसा टर्न आउट हुआ है अभी तक, बट नहीं, लास्ट में एक साथ देखेंगे। मैं सी में ब्लू के 2-3 शेड्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा रियल लगे। वैसे ये एक रियलिस्टिक पेंटिंग तो है नहीं, बट एकदम भी ब्लैंक नहीं लगना चाहिए। देन हाइलाइट्स एंड शेडोज़ के बाद मैं मेन बेस कलर जो होता है वो कर रही हूँ। इसके बाद पीछे से तो ये बहुत गंदा दिख रहा है, बट असली पेंटिंग तो आगे है ना। आई हैव नो आइडिया कि सामने से ये कैसा टर्न आउट हुआ है। आई होप ये अच्छा दिखे। पूरा पेंटिंग करने के बाद आई हैव सील्ड इट विद अ वार्निश एंड इट्स डन। ये नहीं, ये टोटली इन लव विद दिस। मुझे तो बहुत मज़ा आया है। एंड विद दिस हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। कमेंट कर ज़रूर बताना आपको मेरा ये दो अलग अलग प्रोसेस कैसा लगा और आप ये ट्राई करोगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एन्जॉयड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाय।